अखिल भारतीय जाट महासभा द्वारा गाजियाबाद स्थित उद्गुप्ती रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जाटों के आरक्षण को लेकर पत्रकारों को संबोधित किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रताप चौधरी, मुख्य महासचिव धर्मेंद्र तोमर, गाजियाबाद से नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अरुण चौधरी, महासचिव अरविंद बालियान सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं प्रताप चौधरी, अखिल भारतीय जाट महासभा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, पूर्व विधायक हूँ सादाबाद से। आज यहाँ हमारा आने का जो मेन मकसद था वो केंद्र में जाटों के आरक्षण के लिए। हमारा 20 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, उसी की कड़ी में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न जिलों में जाकर के हमारी मीटिंगें हो रही हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, और 20 तारीख को केंद्र में जाट आरक्षण के लिए अखिल भारतीय जाट महासभा हुंकार भरेगी। उसी के तहत आज यहाँ हमारी प्रेस वार्ता थी। धर्मेंद्र तोमर है, मैं अखिल भारतीय जाट महासभा उत्तर प्रदेश का मुख्य महासचिव हूँ। आज यहाँ जनपद गाजियाबाद में आने का उद्देश्य यही था कि 20 तारीख में 20 नवंबर में तालकटोरा स्टेडियम में एक राष्ट्रीय अधिवेशन होगा जाट आरक्षण के बहाली के लिए। तो आज यहाँ संगठन का विस्तार किया, जिसमें जिलाध्यक्ष भाई अरुण चौधरी जी को बढ़ाया गया और महामंत्री अश्विनी जी को, तो इनकी आज घोषणा करनी थी और इनसे सबसे निवेदन करना था कि इस आंदोलन को उत्तरी गति से चलाया जाए और 20 नवंबर में दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे। मेरा नाम अरुण चौधरी है। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा मुझे गाजियाबाद जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है और आगामी 20 तारीख में जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होना है उसमें गाजियाबाद बहुत बढ़िया भूमिका निभाएगा। बहुत बड़ी संख्या में गाजियाबाद से लोग उस सम्मेलन में शिरकत करेंगे और भविष्य में भी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उसे गाजियाबाद बखूबी निभाएगा और बहुत बढ़िया काम समाज के हित में गाजियाबाद करके दिखाएगा। धन्यवाद। मैं अरविंद बालियान, गाजियाबाद जिला महासचिव। आज मुझे बनाया गया है अध्यक्ष अरुण चौधरी भुल्लन को माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रताप चौधरी जी के द्वारा, और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रदेश महासचिव रविंद्र तोमर जी का। अब हमें हमारी आगे की रणनीति रही कि जाट समाज जो गाजियाबाद में पहले भी संघर्षशील रहा है और आगे भी हमें संघर्षशील होकर के गाजियाबाद जाट समाज का अच्छे से अच्छे काम करना है।